आज भारत भ्रमंती के इस भाग में हम जाएंगे इगतपुरी के विपश्यना सेंटर में। इगतपुरी मुंबई से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मुंबई से बाय रोड आना चाहें तो लगभग 2 घंटे में आप इगतपुरी पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो इगतपुरी रेलवे स्टेशन से 10-15 मिनट में रिक्शा से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, विजिटिंग आवर्स मॉर्निंग 9:30 से दोपहर 4:30 तक है। इसके बाद किसी भी विजिटर को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले जो भव्य गेट दिखाई देगा वो है म्यांमार गेट। इस गेट की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। अंदर प्रवेश करते ही सामने दिखते भव्य पर्वत और कुदरत की सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो गया। धम्मगिरी में आपका स्वागत है। विजिटर हॉल के बाहर की खुली जगह में भव्य अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है। यह है विजिटर हॉल या आर्ट गैलरी। इस आर्ट गैलरी में भगवान बुद्ध के जीवन से निगड़ित कथाओं को चित्र स्वरूप में दिखाया गया है। यही पर वीडियो हॉल भी है जिसमें विपश्यना को लेकर लगभग 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री देखना बिल्कुल भी मिस न करें। विजिटर हॉल से निकलकर थोड़े आगे जाने पर बहुत ही सुंदर ऐसा बुद्ध गार्डन है। इस गार्डन में भगवान बुद्ध के जीवन से निगड़ित कथाओं को दिखाया गया है। बुद्ध गार्डन से निकलकर हम आगे बढ़े धम्मगिरी के ओर। रास्ते में हमने देखा कुदरती शक्ति का इस्तेमाल योग्य तरीके से करने के लिए सोलर प्लांट भी लगाया गया है। ये है धम्मगिरी का प्रवेश द्वार। यहाँ से आगे आप बिना गाइड के यानी बिना धम्म सेवक के नहीं जा सकते। धम्मगिरी के विजिट के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं आकारा जाता। विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन साधनाओं में से एक ध्यान प्रणाली विधि है, जिसका अर्थ जो जैसा है उसे ठीक वैसे ही देखना समझना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में यह पद्धति जीवन जीने की कला के रूप में सिखाई गई। इस 10 दिनों में बहुत ही सख्त समय सारणी का पालन करना पड़ता है। दिन प्रातः 4 बजे शुरू होकर रात को 9:30 बजे खत्म होता है। विपश्यना 10 दिवसीय आवासीय शिविरों में सिखाई जाती है। शिविरार्थी 10 दिनों में साधना की रूपरेखा समझते हैं एवं इस हद तक अभ्यास कर सकते हैं कि साधना के अच्छे परिणामों का अनुभव कर सकते हैं। शिविर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, रहने एवं खाने का भी नहीं। शिविरों का पूरा खर्च उन साधकों के दान से चलता है जो शिविर में लाभान्वित होकर दान देकर बाद में आने वाले साधकों को लाभान्वित करना चाहते हैं। यह है गोंग, आप इसे बेल भी कह सकते हैं। इस गोंग की विशेषता यह है कि जब इसे बजाया जाता है इसका इको पूरे सेंटर में सुनाई देता है। उठने का, सोने का, मेडिटेशन का, खाना खाने का वक्त इसी गोंग की आवाज से शिविरार्थी को पता चलता है। यह है प्रमुख आचार्य निवास और उसके आगे जो दिख रहा है वह है वैश्विक पगोड़ा। शिविर चालू होने के कारण हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। हमें आशा है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही एक से बेहतर एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।